वेलकम टू एन अदर व्लॉग। और आज आप लोग देख रहे हो कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। तो भाई आज है बकरा ईद, तो अभी हम तैयार होते हैं ईद नमाज के लिए। भाई हो गए यहाँ पर बिल्कुल रेडी, और यहाँ पर मैंने पहन लिया वाइट कुर्ता। और ईद पर मैंने लिटरली बहुत टाइम बाद वाइट कुर्ता पहना, नहीं तो मैं लिटरली ब्लैक सूट पैंट पहन कर, मेरी जो कबर्ड है वो पूरी ब्लैक हुई बड़ी है। अच्छा यार, टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया। मौलवी का भी ऐलान है कि यार अगर जो बंदा नमाज पर नहीं पहुँचा, मैंने जमात खड़ी करा देनी है, और सिर्फ एक दो मिनट रह गए, उसके बाद मैं आके बाल बाल बनाऊँगा और आपको अपने कजन्स वगैरह से भी मिलवाऊँगा। तो अभी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। खड़े हैं मस्जिद में, और यहाँ पर मुझे मेरे दो कजन हैं मिले, एक है अनीस खान और दूसरा है अंश खान। तो इनको आप जानते होंगे, बहुत मेरा नाम अली है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और उसके बाद देन हम लोग मिलते हैं अपने, हम आपको अपने बकरे दिखाएंगे। हाँ, बकरे दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर आप देख सकते हो हमने बना लिए हैं अपने बाल। क्या बात है सर, क्या बात है। और मैंने ये अपने कजन अंश छपरी के भी बाल बना दिए। तू छपरी होएगा। अबे यार मैं मेरे ब्लॉग में ना बोला गया, चीटिंग करता है तू। यहाँ पे आई थी हमें, और हमें यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मिली है, वो है हमें यहाँ पर एक नेस्ट मिला है। अच्छा, ये किसका नेस्ट है? ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यार यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना प्यारा नेस्ट है। ये किसका नेस्ट है? स्पैरो का नेस्ट है। वाओ यार, यहाँ पे हम एक्सप्लोरिंग। यार हम अपनी बकरी के पास भी आ चुके हैं, और ईद से पहले हमने सोचा कि यार इसको भी मिल ले, क्या पता मैं इधर उधर घूमूं और पीछे से इसका यमन का तीता हो जाए। बात तो सही है। यार अभी हम आए हैं अपनी फूफो के घर विद अलोंग माय छपरी कजिन्स, एंड यहाँ पर हम यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पर थोड़ा अंश का बकरा। तो अंश यार यहाँ पर बताओ अपनी स्टोरी के, तुम्हारे बकरे के साथ क्या हुआ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आपने वो पार्ट और अब हम आए। यार अंश बहुत रोने लग गया थे। गाइस हम हमारे सबसे व्लॉग की सब हिम्मत करके भी मत जाना। गाइस हमारे पीछे देखिए क्या। ओ भाई ये देखो, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी अभी इधर है, देखते हो ये रहा। चल झूठा बताओ, पीछे पीछे किधर जाना है? तो गाइस आप देख, ये देखो ये हमारा मित्र गोट आ गई। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस मेरे पास है, जब एक सांड, एक मोटे सांड को ना कपड़े ब्लू कलर के सैंडल और ऐनक बनाते हैं ना, तो ये बनता है। आ रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। ईद की शॉपिंग करने या गोश्त लेने? भाई भाई हम ना सैनिक लिए ना गोश्त लेने जा रहे हैं। यार पीछे हमारा चुप कर ना, ब्लू शर्ट और ब्लू सैंडल और ना ब्लैक कलर। कह दिया ये सनी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सनी हमारा बहुत ही अच्छा कजन है। अच्छा कजन यार, यहाँ से हम जा रहे हैं भाई। ये हमारा कुर्बानी का जानवर है, छुरी लगवानी इसको। बंद करो हाथ जोड़। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बोले बताओ। हमको साइकिल में आज। हाँ जी। तो ईद मुबारक नहीं कहना? क्यों मुबारक, क्यों मुबारक? ईद मुबारक को ना इनको, मुबारक इनको को, ये जो देख रहे हैं देख रहे, ईद मुबारक। जो हमारी कुर्बानी थी वो तो हो गई थी थोड़ी सी लेट, और ये जो बड़ा गोश्त था ये अभी अबजीबा हुआ। देन थोड़ी देर तक ये जब बन गया तो मैं इसको घर ले आया, और देन इसके कुछ शॉपर्स बनवाए, और देन उसको रिश्तेदारों को बांट दिए, और कुछ जो लेने आ रहे थे दरवाजे पर उनको दे दिया, और इस तरह जी हमारी ये कुर्बानी हो गई थी डन। तो गाइस यार ये ईद भी हमने सो के गुजार दी है। आज था ईद का फर्स्ट डे, तो अभी मैं दिन को सो गया था गोश्त तकसीम करने के बाद, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो लिटरली आई वॉज अबाउट टू डाई। और अब ये सीन है कि इस व्लॉग की थोड़ी सी लेंथ शॉर्ट बननी है, तो हम इसलिए कल का जो व्लॉग होगा उसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार अब मिलते हैं ईद के नेक्स्ट व्लॉग में, तो अब मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय। इसके अंदर से क्या निकालना है, क्या निकालना? इधर ऊपर देख क्या निकालना है इसमें से। मोटर निकालनी है? अबे ये काम छोड़ दे, हम भी ऐसे ही करते थे, जिंदगी में कुछ नहीं बनता, मोटर निकालने बंद कर दे।
The next day. तो गुड मॉर्निंग यार, आपका भाई उठ गया था और इस टाइम बजे हैं दिन के 12 और बकरी को भी ले गए हैं जिबा होने के लिए और मैं अभी पीछे जाता हूँ और लिटरली मेरा इस टाइम कपड़े पहनने को जरा भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो भाई अभी चलते हैं बकरी के पीछे, ये ना हो कि मैं जाऊँ और टोटली बकरी जी हो जाए। तो अभी चलते हैं तो आपको दिखाते हैं क्या सीन। यार मैं गोश्त ले आया था और इस टाइम हो रही है शदीद गर्मी और अब मैं व्लॉग को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।